अब हम एक बात भारत की गृहिणियों से कहना चाहते हैं, या हर परिवार में जो महिलाएं हैं ये बात हम उनसे कहना चाहते हैं। भारत में 16 करोड़ गृहिणियां हैं और ये महिलाएं अपने किचन का बहुत ध्यान रखती हैं। मसाले, नमक, दालें, चावल, आटा घर में कम ना पड़े और कोई खाने पीने की चीज़ कम ना पड़े, इसका जिम्मा इन्हीं के पास ज़्यादातर होता है। इसलिए अब हम अपने देश की गृहिणियों और बाकी लोगों को कुछ ऐसी जानकारी देना चाहते हैं जिनका पालन करके वो कोरोना के डर को अपने परिवार में कम कर सकते हैं, अपने परिवार का ध्यान रख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ गृहिणियों के लिए है, अगर बाकी के लोग भी, परिवार के सदस्य भी इसे फॉलो करेंगे तो वो अपने परिवार की रक्षा कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप कोरोना वायरस से लड़ाई करने के लिए आपके पास जो हथियार होने चाहिए, क्या वो हथियार आपके पास हैं? और इसको हमने नाम दिया है कोरोना वायरस की टूलकिट। टूलकिट वैसे तो आपने अलग अलग खबरों के आधार पर टूलकिट के बारे में सुना होगा, लेकिन ये सकारात्मक टूलकिट है जो आपकी मदद करेगी। इस समय आपके घर पर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, इसकी हमने आज पूरी लिस्ट बनाई है और उन सारी चीजों के आधार पर आपके लिए एक टूलकिट तैयार किया है। और आप चाहें तो पेन और पेपर लेकर इस टूलकिट में क्या क्या होना चाहिए वो आप नोट कर लीजिए। ये टूलकिट हमने कई डॉक्टरों से बातचीत करने के बाद तैयार किया है, जिसमें कुल 10 चीजें हैं। तो इस टूल किट में 10 चीजें हैं, अलग अलग डॉक्टरों से हमने पूछा है, उसके आधार पर उसका जो नतीजा है वो आपके सामने हम रख रहे हैं। उस टूल किट में पहली चीज जो आपके घर में होनी ही चाहिए वो है टेम्परेचर मॉनिटर, यानी थर्मामीटर जिसे आप कहते हैं, जो बुखार की जांच करने के लिए सबसे जरूरी है। अगर आपने अपने घर पर थर्मामीटर नहीं रखा है तो आप आज ही सबसे पहले तो ये काम करें कि एक थर्मामीटर खरीदें। दूसरा है पल्स ऑक्सीमीटर। ये एक बिस्किट के आकार की छोटी सी मशीन होती है, बहुत छोटी, जिससे आप घर बैठे ही अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकते हैं। ये उंगली में लगती है जैसे हमने आपको दिखाया, और डॉक्टरों के मुताबिक शरीर का ऑक्सीजन लेवल 94 से लेकर 100 के बीच होना चाहिए। अगर ये 94 से कम हो गया तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, तुरंत अस्पताल चले जाना चाहिए। अगर 94 से नीचे चला जाता है तो ये भी आपके घर में जरूर होना चाहिए। और एक आप खरीद लीजिए जिसको पूरा परिवार इस्तेमाल कर सकता है। तीसरा है स्टीमर, जिससे आप भाप ले सकते हैं। सांस लेने में तकलीफ होने पर यह आपके काफी काम आता है। आपको स्टीम जरूर लेनी चाहिए, भाप लेनी चाहिए। इस समय आपके घर में जैसा भी स्टीमर उपलब्ध हो या बाजार में, आप अपने हिसाब से खरीद लीजिए जो भी आपको ठीक लगता है, लेकिन यह स्टीमर इस समय आपके लिए जरूरी है। चौथी चीज है पैरासीटामोल की गोली, जिसे आप PCM भी कहते हैं, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। इसका एक पत्ता आप घर में रख लीजिए। पांचवी चीज है एंटी एसिड टैबलेट, ये भी आपके पास होनी चाहिए। कोई भी एंटी एसिड टैबलेट आप ले सकते हैं। छठी चीज है एंटी एलर्जिक दवाई, इसके लिए आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं और डॉक्टर जो भी आपको नाम बताए वो आपको लेना है। सातवां है थर्मल फ्लास्क, जो गर्म पानी के लिए काम आता है, जिसमें आप गर्म पानी डालकर रख सकते हैं। डॉक्टर कोरोना वायरस से बचाव के लिए गर्म पानी पीने की सलाह देते हैं, ऐसे में ये आपके घर पर होना चाहिए। जिनके घर पर नहीं है आप खरीद लीजिए, या फिर जो हम आपको बताना चाह रहे हैं वो ये है कि आपको दिन में कम से कम 5 से 6 बार गर्म पानी जरूर पीना चाहिए। आठवीं चीज़ जो आपके टूल किट में होनी चाहिए वो ये है कि कोई भी इम्यूनिटी बूस्टर आपको चाहिए इस समय। जैसे आप काढ़ा पी सकते हैं, आप चाहें तो घर पर भी इसे बना सकते हैं, नहीं तो बाजार में भी अभी मिल रहा है। इसके लिए आपके घर पर तुलसी, इलायची, हल्दी, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, अदरक और मुनक्का वगैरह होनी चाहिए, जिसके आधार पर आप इस तरह की कोई चीज़ बना सकें। या बहुत सारी दवाइयाँ भी आ रही हैं बाजार में जो कि कहती हैं, दावा करती हैं कि वो आपकी इम्यूनिटी को ठीक करती हैं, ये सब आप ले सकते हैं। विटामिन सी की गोली ले सकते हैं, और बहुत सारे फल भी ऐसे हैं जो आपको इस समय खाने चाहिए जो कि आपकी इम्यूनिटी को ठीक करेंगे। इस टूल किट में नौवीं चीज़ है हल्दी वाला दूध। रोज एक गिलास हल्दी वाला दूध पीकर आप अपनी इम्यूनिटी को ठीक कर सकते हैं। और दसवां टूल है स्ट्रेच बैंड, जिससे आप घर पर रहकर ही कई प्रकार की एक्सरसाइज कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं। इसमें हमारा जो कहने का मकसद है आपको वो ये है कि आपको व्यायाम नहीं छोड़ना है। एक नई स्टडी आई है जो ये कहती है कि कोरोना वायरस उन शरीरों पर ज़्यादा हमला करता है जो शरीर व्यायाम नहीं करते। इसलिए व्यायाम ज़रूर कीजिए, व्यायाम बिल्कुल मत छोड़िए। और साथ ही ये हम मानकर चल रहे हैं कि आपके पास मास्क ज़रूर होगा, आपके चेहरे पर हर समय मास्क रहता होगा जब भी आप बाहर निकलते हैं अपने घर से।
और साथ ही आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करेंगे। तो ये आपकी टूल किट बिल्कुल तैयार है। अगर ये टूल किट आपके पास है तो आप काफी हद तक सुरक्षित रह सकते हैं और इस कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं।